नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा कि वह बूढ़े नहीं हुए हैं और उनमें अब भी कुछ लोगों को सीधा करने की ताकत है। पुणे की हवेली तहसील के चारकोली में एक बैलगाड़ी दौड़ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि मुझे आपसे शिकायत है, आप सभी अपने भाषणों में इस बात पर जोर देते रहते हैं कि मैं 83 साल का हूँ, मैं 84 साल का हूँ, आपने क्या देखा है, मैं नहीं हुआ हूं, मेरे पास कुछ लोगों को सीधा करने की ताकत है, आप चिंता ना करें। इस साल 2 जुलाई को अजीत पवार और 8 अन्य विधायकों के एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी विभाजित हो गई थी। इसके तुरंत बाद अजीत पवार ने कहा था कि उनके चाचा बूढ़े हो गए हैं और उन्हें पार्टी की बागडोर संभालने के लिए अगली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाना होगा। रविवार को पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री के जन्मदिन जो 12 दिसंबर को था, वही उन्होंने चिन्हित करने के लिए यहां बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन किया था। बता दें, शरद पवार ने कहा कि खेल किसानों को संतुष्टि और आत्मविश्वास देता है। उन्होंने दावा किया कि सत्ता में बैठे लोगों को किसानों से कोई लगाव नहीं है और उन्होंने प्याज सहित कुछ कृषि उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध जैसे फैसलों का उदाहरण दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की मदद करने के बजाय बाधाएं पैदा करती है।